शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साल पहले की बात है, सरजमीन ईरान पर गम के बादल छाए हुए थे। शहंशाह ईरान कांसें गिन रहा था। अभी तक नहीं आए। हमारे ईरान की हिफाजत करना रुस्तम, वादा करो रुस्तम, वादा करो। मेरे आका, मैं वादा करता हूं, मैं दिलो जान, मैं सरो चश्म, महाब बंदगान अक्दस फरमा रहा ईरान आला हजरत शहंशाह के कौस जिंदाबाद।
फार्मर्स, गाड़ी क्यों रोक दी? शहजादी साहिबा, बीच रास्ते दरख्त गिर पड़ा है। तो फिर हम महल कैसे पहुंचेंगे? रुको रक्श, शरारी साहबा, इसी अपने सफाइयों में नौकर क्यों न रख लिया जाए? ये देखकर हमें मसर्रत हुई कि तुम जैसे सिपाही समनगान में मौजूद हैं। मेरा ताल्लुक ईरान से है, समनगान सिर्फ शिकार की गरज से आता हूँ। ओ, तो तुम ईरानी हो? बफजले खुदा मैं हूँ, जिसे बदलना इंसान की ताकत नहीं। तुम्हें ये मुलाजम मंजूर नहीं? नहीं। और हमें भी ऐसे मुलाजिम की जरूरत नहीं जो इस कदर मगरूर हो। अपनी मेहनत का सिला लेकर तुम जा सकते हो वजीरे। अफसोस है तुम्हारी बदनसीबी पर, ये लो। तुम्हें ईरान का खुदा कर दिया बहुत कुछ। आपकी ये बख्शिश आप ही को मुबारक हो। खुदा हाफिज। चलो रक्स। फरमाइए शहजादी साहिबा। तुम चाहते हो ये अशरफियां तुम्हें मिल जाएं? ये सब जितने भी तुम इस तरह मोड़ सको। दो कारमुस, आज तुम अपनी ताकत का कमाल दिखा दो। शहजादी साहिबा, ये काम सिर्फ रुस्तम ईरान की बस की बात है। हम तुम्हें इस सच्चाई पे ये तमाम अशरफियां इनाम देते हैं। खादिम, आपका शुक्रिया अदा करता है। खादिम, क्या खिदमत की है तुमने हमारी? गुलाम आपके हर इशारे पे अपनी जान कुर्बान कर सकता है। इसका मौका देते हैं, रुस्तम ईरान का घोड़ा हमें ला दो। रुस्तम ईरान का घोड़ा? हाँ, जिस तरह भी मुमकिन हो सके। लेकिन शहजादी साहिबा। क्यों, जान कुर्बान करने का जोश ठंडा हो गया? हुक्म की तामील होगी। शहजादी साहिबा, आपने घोड़ा क्यों मंगवाया? इसलिए कि घोड़े को तलाश करते हुए उसका मालिक भी यहां पहुंच जाए। बहुत खूब।
वो आ गए। कारमुस, इसे ले जाकर बांध दो और इस बात का किसी को पता न चले। जो को राश 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 राश। जिस चीज की तुम्हें तलाश है वो तुम्हें समंगान के महल में मिलेगी। समंगान के महल में? खुश नसीब है वो खाक जिस पर रुस्तम ने कदम रखे हों। वो रुस्तम जो मेरे मुल्क मेरे मजंदरान को जालिमों से पाक करेगा। बेचैन है उनके लिए, जानती है होंगे तो इस महल का मैदान बना देंगे। उमा, कौन हमारे महल का मैदान बना देगा? जी, ये कहानी सुनी थी अब्बा जान। जी हाँ हजूर। अब्बा जान, ये कहानी कुछ और ही मालूम होती है। ये जरूर कोई शरारत करने वाली है। भाई जान, आप तो हमेशा यूं ही छेड़ते रहते हैं। नहीं बेटी, तू तो बहुत समझदार है भाई। जिंदे तुम तो खामखा छेड़ा करते हो हमारी बेटी को। लेकिन तहमीन, तुम भी जरा ख्याल रखना, आज हमारे यहाँ चंद मेहमान आने वाले हैं, कहीं ये महल वाकई मैदान न बन जाए। हजूर, सुना है कि एक शायर अफीम के नशे में एक शायर अफीम के नशे में अपने नौकर को बुला के कहने लगा। क्या कहने लगा? अमां देखो तो सही, छत से कौन गिरा है? बहुत जोर से आवाज आई है। उसने कहा सरकार आप ही तो गिरे हैं, और कौन गिरा है? क्या कहा? मैं गिरा हूँ। ओह, जब ही बहुत चोट आई है। वर्णासन हो कि समंगान की सरजमीन रुस्तमे ईरान के कहर से कांप उठे। शहजोर रुस्तमे ईरान और हमारे महल में? हाँ, तुम्हारे महल में। और पेशते इसके कि हम तुम्हारे महल की ईंट से ईंट बजा दें, हमारा घोड़ा हमें लौटा दो। आपका घोड़ा? बखुदा हमें कोई इल्म नहीं। तुम झूठ कहते हो। तुम्हारे सिपाही खुद उसे महल की तरफ लाए और यकीनन तुम्हारे हुक्म से। ऐसा हुक्म जिसका नतीजा आपसे दुश्मनी हो हम कैसे दे सकते हैं? अगर आपको शक तो आप महल की तलाशी ले लीजिए। कोई तलाशी की जरूरत नहीं। अगर रक्ष यहां होगा तो यकीनन हमारी आवाज का जवाब देगा। रश 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 खुदा के लिए अपने आप को परेशान न कीजिए। शहजादे जाओ, घोड़े की तलाश के लिए हुक्म जारी कर दो। अब्बा जान, शहसवार ईरान, हमारी इल्तजा है कि आपका रक्ष मिलने तक हमें खिदमत का मौका दीजिए। आइए, तशरीफ लाइए। कामयाबी मुबारक हो, शोक कहीं थी। हमें बेहद अफसोस कि हम आपकी महफिल में खलल अंदाज हुए। शर्मिंदा न कीजिए,
यह हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे मेहमान बने। शहजादे, कनीजों से कह दो कि शाही आरामदार को सजा दे। सारे कमरे में खुशबू बखेर दो, सारे कमरे में खुशबू बखेर दो। तुम मेरे अल्फाज क्यों दोहरा रही हो? आपने मेरे लिए और काम ही क्या छोड़ा है? काश आपके आने की इत्तला पहले मिल जाती। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। है आपकी आरामगाह। शुक्रिया। और इत्मीनान रखिए, आपका घोड़ा तलाश करने के लिए हम समंगान का कोना कोना छान डालेंगे। हमें इत्मीनान है। शब बखैर। शब बखैर। शब बखैर। शब बखैर। अब तो हमें जाना ही होगा, लेकिन कैसे? कौन तुम? मैं कनीस। हमारे करीब आओ। ये बंद खोल दो। तुम ये बख्तर खोलो। कितने दिन से काम कर रही हो? ये आज शाम ही से कनीज बनी है। अगर यूं ही काम करोगी तो बस छुट्टी। क्या खूब बजाती हो। रुक क्यों गई? बजाओ, हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। हुजूर, इनाम तो उन्हें मिल चुका। इलाही ये तूफान
हमारे पास आओ। ये तुमने उंगली में क्या पहन रखा है देखें। सुना नहीं तुमने? हमारी सब चीजें तैयार रखो। उनके लिए गुलाब का पानी कम तो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। हमारा जुब्बा लाओ। अभी पेश करती हूँ। या शहजादी, हमने तुम्हारे दिल की धड़कनें सुनी, आंखों में बेचैनियां देखी। मैंने बहुत रोका मगर कदम आपके पास आने से न रुके। तुमने इसका अंजाम भी सोचा है? अंजाम? मैंने शमा को पिघलते देखा है, परवाने को जलते देखा है। दिल को समझाने के लिए यही काफी था, लेकिन देखा है, वो तैयारी कर रहे हैं। दिल की बात मानकर अपने फर्ज को भूल जाऊं ये नामुमकिन है। मुझे यहां से चले ही जाना चाहिए। यह बात अफसाना बनने से पहले ही खत्म हो जाए यही बेहतर। अगर आपका यही फैसला है तो अपनी मौत का सामान मैं खुद अपने हाथों से करूंगी। आपका घोड़ा रक्ष खुद अपने हाथों से सजाकर आपको वापस कर दूंगी। शहजादी, क्या मतलब? मैंने ही आपका घोड़ा चुराया था। आपको अपने पास बुलाने के लिए मैंने ही आपके गुस्से और अपने खानदान की जिंदगी का खतरा मोल लिया था। अर्मीनिया, मेरी जिंदगी की हर उम्मीद टूट चुकी है। आपको सफर मुबारक। मुझे समझने की कोशिश करो तहमीनिया। तहमीनिया, मुझसे शादी मैदान जंग की बर्बादियों से शादी होगी। मुझे यकीन है कि आपके होते हुए कोई बर्बादी मुझे छू नहीं सकती। मुझे जो कुछ कहना था मैं कह चुकी। अब भी अगर आप जाना चाहें तो
امین جانے رستم. رستم زبور ول شہجال شہزادی سمنگان مسمات تہمینیت اپنی شریک حیات قبول کرتا ہوں. شہزادی سمنگان مسمی رستم ولد شہزال کو اپنا شوہر قبول کرتے ہیں. اے خدائے کائنات میں اس نکاح کے اقرار کی تصدیق کرتا ہوں. تو حاضر و ناظر ہے اسے قبول کر. رستم کی شادی ہو گئی اور بہت دور ریگستانوں کے اس پار سرزمین مازندران میں رستم کے خلاف ایک نیا فتنہ ابھر رہا تھا. بادب باملائزہ ہوشیار شہنشاہ مازندران رونق افروز ہوتے ہیں. یہی ہے وہ نجومی جس نے موت کا ڈر دلا کے ماں بدولت کی راتوں کی نیند حرام کر دی ہے. علی جا کون ہے ہمارا دشمن؟ آپ کے ستارے علی جا. ہمارے دشمن کا نام ستاروں کی زبان میں نہیں ہماری زبان میں بتاؤ. تو سنیے عالم پناہ، جیسے میری موت آپ کے ہاتھوں سے ہوگی ویسے ہی آپ کی موت ایران کے رستم زبولی کے ہاتھوں سے ہونے والی ہے. رستم رستم عالم پناہ گھبرائیے نہیں، جب تک یہ غلام زندہ ہے کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. ماں بدولت ستاروں کی گردش بدل دیں گے. منجم کی پیشین گوئی نے شاہ مازندران کی نیند حرام کر دی اور رستم کے خوف سے وہ اپنے رفیق دوست شہنشاہ توران افراسیاب کے پاس چلا گیا. شہنشاہ افراسیاب، اب میں سب طرف سے پریشان ہو گیا. شاہ مازندران، ایک نجومی کے الفاظ پر اس قدر پریشان ہونا پاگل پر نہیں تو کیا ہے؟ پھر رستم سے آپ کی کیا دشمنی؟ آپ ہی جان لے کر وہ کیا کرے گا؟ رستم رستم رستم، آپ لوگ رستم سے اس طرح ڈر رہے ہیں جیسے رستم انسان نہیں بلکہ خدا ہے. شہزادے، یہ ٹھیک ہے کہ رستم خدا نہیں، لیکن خدائی طاقت کا مالک ضرور ہے. تم ابھی کمسن ہو، نہ تجربہ کار ہو، تمہیں ابھی کچھ نہیں معلوم. ہم جیسے جرار سپاہی بھی اس کی تلوار کا لوہا مانتے ہیں. لیکن ابا جان، کیا ارزن اور سفید دیو رستم سے کچھ کم ہیں؟ کیا بات ہے شہزادے، ہمارا تو دعویٰ ہے کہ ایک بار رستم ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اسے صفائی ہستی سے مٹا دیں گے. تو پھر دیر کس بات کی ہے، جائیے اور رستم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیئے. نہیں نہیں، میں اپنے بہادر جانساروں کو ہرگز اپنی نظر سے دور نہیں ہونے دوں گا. تو پھر میں جاؤں گا. شہزادے، سوئے ہوئے شیر کو جگانا خطرے سے خالی نہیں. لیکن ایسے خطرناک شیر کو جاگنے ہی کیوں دیا جائے ابا جان؟ یہ تمہاری جوانی کا جوش ہے، ورنہ رستم سے ٹکر لینا تمہارا کام نہیں. ہمیں تمہاری جان بہت عزیز ہے. ٹھیک ہے، اگر رستم کی موت کا پیغام لے کر ہم ایران نہیں جا سکتے تو اپنی موت کا استقبال کرنے وہ خود مازندران آئے گا. رستم مازندران آئے گا؟ وہ کیسے؟ شاہ ایران کا ایک اوس کو گرفتار کر کے مازندران کی قید میں ڈال دیا جائے گا، اور جب رستم کو یہ خبر ملے گی تو اپنے بادشاہ گرہی دلانے مازندران ضرور آئے گا. کیا بات ہے شہزادے، اس کمسنی میں یہ عالم بنا میں قائل ہو گیا.
मगर ये होगा कैसे? वो सब आप मुझ पर छोड़ दिए चाचा जान। दिलकश अंदाज में की है। यह महज तारीफ नहीं, हकीकत है शहंशाह। और अगर यह हकीकत है तो हम उस सरजमीन को जन्नत निशा कहेंगे। काश हम भी उस फिरदौस को देख सकते जिसका ख्वाब तुमने हमें अभी अभी दिखाया है शायर। नाचीज इसी गरज से हाजिर हुआ है शहंशाह। ये लीजिए। शाह माजंदरान आपकी दोस्ती के दिल से ख्वाहिशमंद हैं। हुजूर की खिदमत में ये तोहफे और ये दावतनामा भेजा। बखुदा हम उस बादशाह से मिलकर बहुत खुश होंगे जो माजंदरान ऐसी सरजमीन का हुक्मरान हो। शायर, हम माजंदरान कब पहुंचेंगे?
हुजूर माजंदरान पहुंच चुके हैं। इस उजड़े हुए रेगिस्तान को तुम जन्नत निशा कहते हो? ये तुम्हें उस वक्त मालूम होगा जब तुम्हें माजंदरान के तहखाने में डाल दिया जाएगा। शेर नहीं, शहजादा ए तूरान ले जाओ। और चचा जान से कह देना कि मैंने अपना वादा पूरा किया। याद रखो शहजादे, रुस्तम हमारी इमदाद के लिए माजंदरान जरूर आएगा और तुमसे तुम्हारी मक्कारी का इंतकाम लेकर ही रहेगा। और हम भी यही चाहते हैं कि रुस्तम माजंदरान आए। ईरान का मगरूर बादशाह शर्म से गर्दन झुकाए आज कैदी की हैसियत से मां बदौलत के दरबार में हाजिर है। रुस्तम का गुर्ज जब तेरे मगरूर सर पर पड़ेगा तो तेरे जिस्म की हड्डियां आसमान में उड़ती नजर आएंगी। इस पागल कुत्ते को ले जाओ और भूख से तड़पा तड़पा कर मार दो। जब इंसान सुन पर उतर आता है तो उसके दिमाग की तमाम रोशन बत्तियां बुझ जाती हैं। दरवाजा बंद कर दो। तमीन, तुम्हें देखने चलो। आप नहीं उठेंगे तो हम इसी तरह सताएंगे। तुम सताओगी तो हम तुम्हें सहसरा देंगे। तमीन, तमीन, देखो पानी में गिरोगी। अब बता, क्या सताओगे तुम? ये सताओगी? हुजूर, ये आप क्या कर रहे हैं? आजकल आपको इनसे ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। हुमा, आजकल क्या मतलब? हुजूर, ऐसा मजाक आने वाले मेहमान के लिए अच्छा नहीं। मेहमान? हुजूर, आप माँ बनने वाली हैं। माँ बनने वाली? हुमा, हुमा, हम तुम्हें क्या इनाम दें? लो, लो, ये लो। कारमुस, हुक्म के मुताबिक ये फरमान रुस्तम ईरान के सिवा किसी को नहीं दिया जा सकता। कासिद, समनगान की शहजादी को भी नहीं दिया जा सकता। समनगान की शहजादी? तो ये लीजिए, मुझे इल्म नहीं था, खादम माफी चाहता है। तुम जा सकते हो, तुम भी। ना करे कोई बुरी खबर तो नहीं शहजादी साहबा?
इससे बुरी खबर और क्या हो सकती है? उनके नाम बुलावा आया है हुमा। बुलावा आया है? तहलील, तहलील, शहसवार ईरान, मैं बहैसियत वजीर आजम ईरान बसत अफसोस इत्तला देता हूँ कि शहनशाह ईरान कैकाउस को शाह माजन दरान ने धोखे से गिरफ्तार कर लिया है। अब शहनशाह ईरान माजन दरान की कैद में है। आपकी तारीफ आलम बना। ये है ईरानी फौजों का सरदार आजम। ओहो, और वो रहे आपके खास मेहमान शाह ईरान। बादशाहों के बादशाह शहंशाह ईरान, ये गर्दन न कभी झुकी है न झुकेगी, लेकिन कट तो सकती है। इतनी जल्द नहीं सफेद देव, अभी तुम बदौलत को इनके मुंह से माजिंदरान जिंदाबाद सुनना है। अब बोलो माजिंदरान जिंदाबाद। ईरान जिंदाबाद। जिस तरह भी हो शहंशाह ईरान को माजिंदरान की कैद से निजात दिलाइए, खुदारा निजात दिलाइए। के दरिया बहादुर की वो खुदा इसी खौफ से मैं तुम्हें खुदा हाफिज कहने नहीं आया। तो आप ही बताइए कि मेरा तड़पना दुरुस्त है या नहीं। तहमीन, तहमीन, पहुंच डालो ये आंसू, वरना ऐसा ना हो तुम्हारा रुस्तम इन आंसुओं के सैलाब में बह जाए और ईरान की तारीख में उसका नाम एक स्याह धब्बा बनकर रह जाए और दुनिया वाले उसे एक बहादुर सिपाही की बजाय एक ऐश परस्त इंसान के नाम से याद करें। बस कीजिए, खुदा रब बस कीजिए। यह हमारे खानदान की निशानी, ये तावीज हमारे बच्चे की बाजू पर बांध देना, जो उसे हर मुसीबत से महफूज रखेगा। तो
दिन को खुदा हाफिज न कहोगी? खुदा हाफिज। शाह के दुश्मनों को मेरा एक ही बार हमेशा के लिए नेस्तो नाबूद कर देगा। शहंशाह, किस्मत का लिखा हुआ जुल्म की तलवार से कभी नहीं मिट सकता, लेकिन शाह ईरान को जिंदा वापस करके आप रुस्तम के हाथों मरने से बच सकते हैं। हमारी सफेद जो ऐसा हरगिज़ न करना। माँ बदौलत इसकी पेशिन गोई को गलत साबित करने के लिए न तो इसे खुद कत्ल करेंगे न अपने किसी जानिसार के हाथ से कत्ल होने देंगे। आलम बना खाकसार किसी की जुबान से आपकी मौत का जिक्र भी नहीं सुन सकता। ये जो कुछ बकता है इसे बकने दो, तुम अपना काम करो। आलम बना कैकाउस आप कह दे मौजंदरान जिंदाबाद, वरना इन गर्म सलाखों से तेरे जिस्म की गर्मी हमेशा के लिए सर्द कर दूंगा। खुदा के लिए शहंशाह ईरान को भी छोड़ दीजिए। हट जाओ। मेरी पेशन गोई, मेरी मौत आपके हाथ से और आपकी मौत। मुनज्जिम, मुनज्जिम। अर्जन, मां बदौलत को रुस्तम के नाम से डर लगने लगा है। जब तक हम गुलाम जिंदा है आलम पना, आपको डरना नहीं चाहिए। डर का एहसास ही शिकस्त का दूसरा नाम है आलम पना। तुम ठीक कहते हो, लेकिन दुश्मन को कमजोर समझना भी गलत है। अच्छा, तुम ऐसा करो कि कुछ आदमी लेकर दो शेरों वाले दरवाजे पर चले जाओ और रुस्तम जिस वक्त हमारी सरहद में दाखिल होने की कोशिश करे उसे वहीं कत्ल कर दो। आप इत्मीनान रखिए आलम पना, अर्जन जैसी लोहे की दीवार से टक्कर लेना रुस्तम की ताकत के बाहर है।
साकी। मुझे अकेला ही निपटने दो। कौन हो तुम? तुमने मेरे मामलात में दखल देने की जरूरत कैसे की? क्या नाम है तुम्हारा? कौन हो तुम? जवाब क्यों नहीं देते बदतमीज? अच्छा तो तुम नहीं बोलोगे, लेकिन मुझे एक तरीका आता है जिससे तुम जरूर बोलोगे। इससे पहले कि रुस्तम का गुस्सा तुम्हारी जान का दुश्मन बन जाए, यहां से हट जाओ। मेरा मुंह क्या देखती हो? टूट पड़ो इस पर। Thank you.
उस खून की कसम जो मेरी रगों में दौड़ रहा है। इस शाम के सुबह होने से पहले मैं शाह मजंदरान से इस बदतरीन सलूक का इंतकाम लूंगा। सलामत ने काला हूर को फौरन याद फरमाया, उनकी जिंदगी खतरे में है। काला हूर, काला हूर, काला हूर। फरमाइए अनीता। रुस्तम हमारी जान लेने आ रहा है। अनीता घबराइए नहीं।
शहजादे, तुम रुस्तम की नहीं बल्कि खुद अपनी मौत का सामान करने जा रहे हो। शाह मजंदरान को आपने अपना भाई और मैंने अपना चचा माना था, और अब आप ये चाहते हैं कि मैं उनके खून का इंतकाम भी ना लूं। शहजादे, मान जाओ अपने बाप का कहना, रुस्तम से उलझना मौत से उलझना है मेरे बच्चे। हकीकत आपके सामने आ जाएगी अब्बा जान, इजाजत दीजिए। सिपाहियों, शहजादे की लाश ले जाओ और अफरासियाब से कह देना कि शाह ईरान की तरफ नजर उठाकर देखने वाले का यही हश्र होगा। तुम्हारा बाप तुम्हें सब कुछ दे सकता है, मेरे बच्चे जिंदगी नहीं। मौत के आगे अपने से आपकी भी नहीं चलती मेरे बच्चे। परवरदिगार, काश तुमने औलाद ही न दी होती, न ये दिन दिखाया होता। शाह तूरान, अब न शहजादे को आपकी आहें जिंदा कर सकती हैं, न आपके आंसू। उठिए और रुस्तम से अपने शहजादे के खून का इंतकाम लीजिए। रुस्तम, तूने मेरे लखते जिगर, मेरे बेटे खून किया है, लेकिन ये ना भूल कि तेरे भी औलाद है। तुम्हारे हाथ के निशान से ये और खूबसूरत हो गया है। अब इसे तुम्हारे अब्बा के पास ले जाएंगे ताकि उन्हें मालूम हो कि तुम कितने बड़े हो गए हो। कहाँ है मेरे अब्बा? तो नाराज है? नहीं बरखुर्दा, वो तुम्हें बेहद प्यार करते हैं। तो फिर आते क्यों नहीं? हाँ अम्मी, आ जाएंगे बेटे, बहुत जल्द आ जाएंगे। लीजिए, ये उन्हें दे दीजिए। दे दीजिए। ये भी उन्हें दे दें? जी हाँ। मगर देखिए कहीं का हाथ ना कट जाए। लेकिन बरखुरदार,
ये छोटी सी तलवार है ना, ये आपके अब्बा का हाथ नहीं काट सकती। क्यों नहीं काट देगी? क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। आपसे भी ज्यादा? हाँ, मुझसे भी ज्यादा। मम्मा से भी ज्यादा? नहीं, इससे ज्यादा नहीं। भाईजान, अब आप जाइए ना, इसकी बातों में लगे रहेंगे तो उम्र कट जाएगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। डर था वही हुआ। महल में पहुंच गया है। तुम जल्दी से जाके चोर दरवाजा खोल दो। तुम सुराग को साथ लेकर छिप जाओ। और पता मेरी फिक्र न करो, तुम छिप जाओ। मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। दुनिया भैंस का वक्त भी नहीं है, जल्दी करो, छिप जाओ। अलमोस्ट दरवाजा बंद करो। कहाँ है रुस्तम का लड़का? क्या हमारे सवाल का कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? खैर, मेरे सिपाही उसे ढूंढ निकालेंगे। शाह समनगान, हमें बहुत अफसोस है, तुमने हमारी दोस्ती को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। नहीं शाह तुरान, आपकी दोस्ती पर तो मैं फख्र करता हूँ। झूठ है, गलत है, खाम है ये ख्याल। रुस्तम का दोस्त कभी हमारा दोस्त नहीं हो सकता। शाह तुरान, हमने महल का कोना कोना छान लिया है, शहजादी और बच्चे का कहीं पता नहीं। तो तुम उन दोनों को हमसे बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन कब तक? अफरासियाब की तलवार एक न एक दिन उनके खून से जरूर प्यास बुझाएगी। दिल तो चाहता इस महल को मिसमार कर दूं, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। रुस्तम और उसके खानदान की तबाही का वो मंजर दिखाऊंगा कि तुम्हारी रूह कांप उठे। सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आज ही रात सोहराब को लेकर जंगल वाले खुफिया मकान में चली जाओ। हुमा और कानूस तुम्हारे साथ खिदमत में मौजूद होंगे। लेकिन अब्बा जान, यही बेहतर होगा। लेकिन किसी को मालूम न होने पाए कि तुम शहजादी हो और सोहराब रुस्तम ईरान का बेटा। यहाँ तक कि सोहराब को भी इस बात का इल्म न होना चाहिए कि रुस्तम ईरान उसका बाप है। ये क्यों अब्बा जान? इसलिए कि बच्चे के मुंह से निकली हुई बात अफरासियाब तक न पहुंच जाए और उसका नतीजा। हिम्मत से काम लो बेटी, हिम्मत से काम लो। कैसा बेटा? अच्छा है ना? शाबाश भाईजान। तहमीना, खुदा का शुक्र है तुम सब लोग खैरियत से हो। और मुझे ये खुशी है कि आप सलामत लौट आए। हमें तो सिर्फ कुदरत ने बचा लिया। अफरासियाब हाथ धोकर मेरे बच्चे के पीछे पड़ गया है। मैं जानता हूँ, अब्बा जान ने जालिम अफरासियाब के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया।
लेकिन अब घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये जगह बहुत महफूज है, यहां सौराब को कोई खतरा नहीं। भाईजान वो नहीं आए। कैसे आते? अफरासियाब ने ईरान में वो कयामत मचा रखी है कि बयान नहीं किया जा सकता। हर तरफ तबाही, खून, कत्ल, ईरान जैसे जहन्नुम की आग में जल रहा। अरे रुस्तम है ईरान तो भाईजान, सौराब के होते उनका नाम कभी ना लीजिए। अब इसे अपने बाप के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा। अम्मी क्या कह रही थी? कुछ नहीं सौराब, कुछ नहीं। शेर बच्चे कोई रोते? और ये देखो तुम्हारा दोस्त है कारमूस। कारमूस, तुम इस मेज को तोड़ सकते हो? जी, एक हाथ से। जी हाँ, तोड़ सकता। अरे सुनो सुनो, अरे कारमूस क्या कहता है, ये मेज को एक हाथ से तोड़ सकता है। कैसे तोड़ सकता है? देखा बेटा, तुम भी ऐसा मजबूत बनो। हाँ। कारमूस, हमारे सौराब को भी अपने जैसा मजबूत बना दो। हाँ? जरूर बना दूंगा बुजुर्ग। ले जा, आओ सौराब। दिन गुजरते गए, सुहराब जवान हो गया। आप हार गए कारमूस। अगर इस वक्त तुम्हारे अब्बा यहां होते तो खुशी से फूले नहीं समाते। फिर आपने मेरे अब्बा का जिक्र किया? बताइए कौन है मेरे अब्बा? कम से कम मुझे यह तो बताइए कि मुझसे मेरे बाप का नाम क्यों छुपाया जाता? अम्मी की जबान बंद, मामूजान खामोश, और आप हमेशा टाल देते, आखिर क्यों? सौरभ, सौरभ! आज भी जज्बात की जंग जारी थी। यहां सुहराब के अरमान अधूरे और वहां रुस्तम की आरजुएं नाकाम। बस बेटे की यही एक निशानी थी जो बाप के कलेजे को ठंडा करती। मुसलसल जंग ने रुस्तम को इतना मौका ही न दिया कि कभी अपने बेटे को देखता। न मालूम सुहराब के कितने ही ख्याली चेहरे उसकी आंखों में उभरते और आंसू की सूरत ढल जाते।
क्या है? रुस्तम के लड़के का ही पता चला? सिपाहियों ने समनगान का कोना कोना छान डाला है आलीजा, लेकिन रुस्तम के लड़के का कहीं पता नहीं चला। खामोश! हमारे कान नहीं गलत सुनने का आदि नहीं है। जाओ और उस वक्त तक हमारे सामने ना आना जब तक कि रुस्तम के लड़के का पता ना मिल जाए। जाओ, चलो, चलो। लेकिन सुहराब दुश्मनों से बेखबर था। उसकी जिंदगी में बेबाकी थी, खुशियां थी और थी मोहब्बत। शाहरुख, आओ मेरे साथ। चारू, जाने दे, मैं तो
बल्ला अब देर हो गई बल्ला तू छोड़ दे मेरा पल्ला फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अब देर हो गई बल्ला अब देर हो गई बल्ला अच्छा सरकार खुदा हाफिज मेरे दिलदार खुदा हाफिज अच्छा सरकार खुदा हाफिज मेरे दिलदार खुदा हाफिज क्यों खफा हो गए क्या कहने हैं सुभान अल्लाह अब देर हो गई बल्ला तू छोड़ दे मेरा पल्ला अब देर हो गई बल्ला तू छोड़ दे मेरा पल्ला फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अब देर हो गई बल्ला अब देर हो गई बल्ला अब देर हो गई बल्ला ठहरो ठहरो सुना नहीं तुमने मैंने ठहरने के लिए कहा कौन हो तुम क्या नाम है तुम्हारा सोहराब तुम्हारे बाप का नाम क्या है जवान इसमें नाराज होने की क्या बात है हम तो सिर्फ ये जानना चाहते थे कि तुम्हारा बाप कौन है मेरा बाप कौन है आ बचाओ सौरभ सौरभ ये क्या कर रहे हो सौरभ कहीं पागल तो नहीं हो गए ये लोग क्यों मुझे तंग करते हैं क्यों मेरे जख्मों पर नमक छिड़कते हैं सौरभ घर वाले बाप का नाम नहीं बताते और दुनिया वाले रह रहे के यही पूछते बारमन शहंशाह अफरासियाब से कहना कि रुस्तम के लड़के सोहराब का पता चल गया और हाँ ये भी कहना कि उसे अपने बाप के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं जाओ वैसा ही बहादुर वैसा ही ताकतवर जिद और गुस्सा भी वही बफजले खुदा उनकी सब बातें सोहराब में मौजूद है जब भी उसे देखता हूं मुझे उनकी याद आ जाती है मुझे देखकर किसकी याद आ कौन है जो याद की सूरत आता है और आंसू की सूरत चला जाता है कुछ नहीं बेटा हम तो इन्हीं बातें कर रहे थे लेकिन यूं ही बातें करते हुए आपके आंसू क्यों छलकते हैं अमीजान आज तो मैं आपसे पूछ कर ही रहूंगा कि मुझसे मेरे बाप का नाम क्यों छुपाया जाता है सहरा फिलहाल ये जिक्र बंद करो तो अच्छा है वरना मेरा कलेजा फट जाएगा आपका कलेजा फट जाएगा क्यों क्यों क्या मेरा बाप इतना जलील इंसान था जिसका नाम सुनकर आपका कलेजा फट जाएगा सौरभ मामूजान आप ही मुझे खामोश नहीं कर सकते आज मैं आपसे पूछ के रहूंगा कि मैं किसकी औलाद हूं मेरा बाप कौन था सिपाही या बदमाश चोर डाकू लुटेरा खामोश सौरभ खामोश सौरभ माँ बाप की शान में गुस्ताखी नहीं किया करते बेटा अभी ये राज तुम्हें नहीं बताया जा सकता नहीं बताया जा सकता नहीं बताया जा सकता कब तक नहीं बताया जाएगा कब तक जिंदगी भर नहीं बताया जाएगा उम्र तमाम नहीं बताया जाएगा समझे ठीक तो ये राज मैं खुद मालूम कर लूंगा
रुस्तम का बेटा सोहराब। जी आलीजा, और आज तक इस लड़के की परवरिश समनगान के जंगलों में ही होती रही। और उस लड़की का नाम शाहरुख है। शाहरुख उमान, जिस तरह से भी हो सके उस लड़की को पकड़ के हमारी साथ खंडो तक ले आओ, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि सोहराब तुम्हारा पीछा करे। जाओ, सर्दी खंडो में हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। रुस्तम, जो आंसू कभी मैंने अपने लड़के के लिए रोए हैं, वही आंसू अब मैं तुझे रुलाऊंगा। इससे वो इंतकाम लूंगा अगर दुनिया याद रखेगी। आओ मेरे साथ। क्या हो रहा है ये सब? कौन हो तुम? ये बदमाश इसे भगा ले जा रहे थे। भगा ले जा रहे थे? जी हाँ। क्या ये सच है? रहम कीजिए हुजूर, रहम कीजिए हुजूर, हमसे गलती हो गई। नाकाबिले रहम है तुम जैसे जलील इंसान। ले जाओ इन सबको और तहखाने में बंद कर दो। हमें अफसोस है नौजवान कि हमारे सिपाहियों ने तुम्हें परेशान किया। ये आपके सिपाही? हाँ, हम अफरासियाब हैं, शहंशाह तुरान। शहंशाह तुरान?
अफरासियाब, ये मेरी खुशनसीबी है कि हुजूर वाला से मुलाकात हुई। शहजाए परस्ती के जज्बे से हम बेहद खुश हुए। आओ नौजवान, आ तुम हमारे मेहमान रहोगे। निशानी है। तुम्हारे बाप की निशानी?
ये क्या हो गया? अभी देखते ही बेहोश हो गए। जाओ गुलाब का पानी ला, जल्दी जाओ। था कि तुम उसके लड़के हो। किसका लड़का हूं? कौन है मेरा बाप? मेरे बच्चे, तेरा बाप मेरा जिगरी दोस्त था, एक नेक सीरत इंसान था। था से क्या मतलब है आपका? अब कहां है वो? उसका कत्ल हो गया, बड़ी बेदर्दी से खून हुआ है उसका। खून हुआ है उनका? कौन है उनका कातिल? नहीं फर्जंद, मैं ये नहीं बताऊंगा। आपको बताना ही होगा शहंशाह, आप जरूर बताएंगे। सारा बताइए, कौन है मेरे बाप का कातिल? नहीं नहीं बताऊंगा। नहीं बताऊंगा तो ये खंजर तुम्हारे सीने के पार होगा। सारा, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हाँ, मैं पागल हो गया, मैं पागल हो गया। अफरासियाब, अगर तुम मेरे बाप के कातिल का नाम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठहर जाओ मेरे बच्चे, बताता हूं। तुमने मुझे मजबूर कर दिया। तुम्हारे बाप का कातिल ईरान का रुस्तम है। रुस्तम ईरान? हाँ, जिसका नाम सुनकर शहीद सिपाहियों के हाथ से हथियार छूट जाते हैं। और यही वजह है कि तुम्हारी मां ने आज से तुमसे ये बात छुपा के रखी कि तुम शर्मिंदा ना हो कि अपने बाप के खून का बदला ना ले सके। रुस्तम से बदल लेना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। नामुमकिन नहीं बल्कि मुमकिन है, और मैं बदला लेकर रहूंगा। कसम है परवरदिगार की, मैं अपने बाप के कातिल को काट के रख दूंगा, और उस वक्त तक सुकून की सांस नहीं लूंगा जब तक उसे तड़प तड़प के मरता ना देख लूं। मुझे कसम है अपने बाप के खून की। नहीं सौरभ, नहीं, तुम रुस्तम से नहीं लड़ सकते। जरूर लड़ सकते, मैं इनकी मदद करूंगा, हथियार को सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। तुम इसकी बातों का हरगिज अमल ना करना। मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं शाहरुख, अब मेरी समझ में आ रहा है कि बाप के बारे में पूछते ही अम्मी क्यों रो पड़ती थी। शाहरुख, मैं अम्मी को इस गम से हमेशा के लिए निजात दिलाऊंगा। तुम इसके जाल में फंस गए हो सौरभ, मैं जाकर अपनी अम्मी से कह दूंगी। शाहरुख, मैं अम्मी से कह दूंगी। शाहरुख, सौरभ, तुम्हारे बाप की रूह इंतकाम के लिए तड़प रही है। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें उसकी चीखें सुनाई नहीं देती? सौरभ, मेरी फौज तुम्हारी इरादे की मुंतजिर। मैं आज ही ईरान जाऊंगा। उमान, हमारे बहादुर सिपाहियों को हुक्म दे दो कि वो तैयार रहें। आज सूरज डूबने से पहले सौरभ के साथ हमारी फौजें ईरान की तरफ कूच करेंगी। गरीब भाग निकले बुजदिल। हुमान, पड़ाव डाल दो, लेकिन दुश्मन से होशियार रहना, चारों तरफ पहरा लगा दिया जाए। ओ
ऐ सनम फिर तुम्हारी याद आई ऐ सनम हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम हाल दिल यार को लिखूं कैसे हाथ दिल से जुदा नहीं होता किस तरह उनको बताएं अपना गम ऐ सनम किस तरह उनको बताएं अपना गम ऐ सनम हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम दिल में मेरी आंखों में हो तुम मेरे ख्वाबों मेरी आहों में हो दूर रहकर भी जुदा होंगे न हम ऐ सनम दूर रहकर भी जुदा होंगे न हम ऐ सनम हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम अल्लाह कसम अल्लाह कसम अल्लाह कसम जब से देखी सूरत उनकी हम शमा जलाना भूल गए रुखसार की सुर्खी क्या कहिए फूलों का फसाना भूल गए बस इतनी कहानी है अपनी जब आँख मिली बेहोश हुए दामन से हवा तुम कर न सके हम होश में आना भूल गए कितने प्यारे हैं मोहब्बत के सितम ऐ सनम कितने प्यारे हैं मोहब्बत के सितम ऐ सनम हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम क्या लुत्फ आ रहा था दिल बर की दिल लगी से नजरें भी थी मुझे पर पर्दा भी था मुझे से ओ आ क्या हसी तस्वीर थी अल्लाह कसम ऐ सनम क्या हसी तस्वीर थी अल्लाह कसम ऐ सनम हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम अल्लाह कसम अल्लाह कसम अल्लाह कसम फिर तुम्हारी याद आई ऐ सनम हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम हम न भूलेंगे तुम्हें अल्लाह कसम रुस्तम का खून करने गया है शाहरुख
भाईजान, शहरों क्या कह रही है? सहराब उनका खून करने गया है। तहमीनिया, तहमीनिया, होश में आओ तहमीनिया। अगर तुम सहराब को सही सलामत देखना चाहती हो तो सबर से काम लो। कार्लोस, आजा। मैं तुम्हें वायदा करता हूँ कि अगर सहराब को अपने साथ में ला सका तो जिंदा नहीं लौटूंगा। आजा, मेरा घोड़ा तैयार। कार्लोस, तहमीनिया और शाहरुख को संभालो। खुदा हाफिज। रात गुजरने तक दुश्मन हमारे हमलों को रोकने की तैयारी कर लेगा। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं। यहां से भागे हुए सिपाही जब रुस्तम को हमारे आने की खबर देंगे तो वो अपनी फौज को लेकर खुद यहां आएगा। हम दुश्मन का यही मुकाबला करेंगे। कौन हो तुम? ईरानी। अपने बहादुर ईरानी सिपाहियों के साथ भागे नहीं तुम? वो भागे नहीं बल्कि तुम्हारी मौत के फरिश्ते को लेने गए। रुस्तम को? हाँ, रुस्तम जहां जो सुबह होने तक तुम्हारी जिंदगी पर कब्जा कर लेगा। गुस्ताखी करते हुए तुम्हें डर नहीं लगता? तुमसे? मौत से। मौत से डरता तो तुम्हारा सर काटने के लिए किले में क्यों रुकता? मेरा सर? हाँ, चाहता था कि तुम्हारा सर ले जाके रुस्तम जहां के कदमों में डाल दूं। और मैं चाहता हूं कि अपने बाप के कातिल रुस्तम का सर काटकर अपनी मां के कदमों में डाल दूं। बहादुर सिपाही, हमने तुमको आजाद किया। और अपने रुस्तम से कह दो कि सफेद कले में मौत उसका इंतजार कर रही है। बहुत बहादुर है वो। बहुत बहादुर, बहुत जिद्दी, बहुत कम उम्र है मेरे आका। वो कहता है रुस्तम मेरे बाप का कातिल है, मैं उसका सर काटकर अपनी माँ के कदमों में डाल दूंगा। ये महज उसकी जिद है, वरना कौन कह सकता है कि मैदान जंग में कौन किसके हाथों मारा जाए। हम खुद उससे मिलने के लिए जाएंगे। रुस्तम ईरान। मेरे आका, हमारे ख्याल में आपका वहां जाना मुनासिब नहीं है। हम अपनी फौजें भेजकर उसका दिमाग दुरुस्त कर देंगे। नहीं मेरे शहंशाह, वो इंतकाम सिर्फ मुझसे लेना चाहता है और मेरी वजह से हजारों आदमी कट जाएं, ये मुझे हरगिज मंजूर नहीं। तो क्या आपने उसका दावा कबूल किया? मेरे आका, अगर वो अपनी जिद पर कायम रहा तो मुझे उसका दावा कबूल करना ही पड़ेगा। लेकिन ये जंग सिर्फ उसके और मेरे दरमियान होगी, किसी बेगुनाह का कत्ल नहीं होगा, ये मेरा वादा है। तुम लोग गलत समझ रहे हो, मैं जासूस नहीं हूं।
हुजूर ये शख्स दीवाना चल के किले में दाखिल होने की कि तुम मुझे अपने इरादों से वाकिफ करते? मैं मजबूर था माबूजान, ये नहीं बता सकता था कि मैं कहां जा रहा हूं, वरना आप लोग मुझे रोक देते। इससे तो बेहतर था कि पहले तुम मुझे मार डालते और उसके बाद यहां आते। मेरा न सही, अपना तो ख्याल किया होता, अपनी मां का तो ख्याल किया होता, वो मां जिसने अपने सारे ऐश और आराम औलाद पर कुर्बान कर दिए। और औलाद है कि मां के दर्द को समझने की कभी कोशिश भी नहीं की। इसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं, आप पर है मामूजान, अम्मी पर। वो दर्द मैं कैसे समझता जो मुझसे छुपाया गया हो, वो जख्म मुझे कैसे नजर आता जो मुझसे पोशीदा रखा गया हो। जिस लड़के को अपने बाप का नामो निशान तक न बताया गया हो, उसने कितनी शर्मिंदगी और निदामत की जिंदगी गुजारी होगी, ये समझते हैं आप? वो कितना जलील और ख्वार हुआ होगा। आप लोगों ने मेरा जीवन हराम कर दिया था मामूजान। लोग मुझे बगैर बाप का और न जाने क्या क्या कहते थे, मेरे सीने पर तीर चलते थे, मैं खामोश रहा करता था। क्या आप लोगों ने मेरे दर्द को महसूस करने की कोशिश की? बताइए क्यों छुपाया गया था मुझसे मेरे बाप का नाम, क्यों छुपाया गया था मुझसे मेरे बाप का नाम? इसलिए कि हमें तुम्हारी जिंदगी अजीज थी। यानी खूनी रुस्तम मुझे नहीं मार डालता? खामोश मत कलाम। तुम्हें ईरान मामूजान, मामूजान दादे फसील पर है, भागने न पाए। भागने के लफ्ज से रुस्तम के कान कतई नाशना है। हमें खुद अफसोस है कि हम इस बूढ़े सिपाही की मौत का बायस बने। रुस्तम मेरे बाप का कातिल और मेरे मामू का खूनी। नौजवान जबान पर काबू रखो, ना हक कत्ल खून हमने कभी नहीं किया। हमारे यहां आने का मकसद है सिर्फ तुम्हें आगाह करना कि इस वक्त तुम महज एक इंसान की लाश पर अफसोस कर रहे हो, मगर वो वक्त बहुत बुरा होगा जब इंसानी लाशों का अंबार तुम्हारे सामने होगा। और इससे पेशतर कि कत्ल खून का धारा तुम्हें बहा कर ले जाए, अपनी फौज को लेकर वापस लौट जाओ। अब यहां से तुम नहीं बल्कि तुम्हारी लाश जाएगी। नौजवान इस कमसिनी में क्यों अपनी मौत को ललकारते हो? मेरे सिपाहियों के घेरे में खड़े तुम मुझी को मौत की धमकी दे रहे हो? तुम्हारी यह बिसात, यह हस्ती। मेरी बिसात जाहिर है और मेरी हस्ती अटल, और मैं तुम्हारी हस्ती को हिला दूंगा। मेरी हस्ती को हिलाने वाला इंसान अभी पैदा नहीं हुआ। यकीन है तुम्हें? इसका जवाब मेरे बाजू देंगे, मेरी तलवार देगी। तो फिर मैं उसी से पूछूंगा, निकालो अपनी तलवार। होश में आओ लड़के, मेरी तलवार ने बहादुर से बहादुर सिपाही के सर को शर्म से छुपते देखा है, और मेरे बाजुओं ने बहादुर से बहादुर सिपाही के सर को शर्म से झुकते देखा है। खुदा गवाह है मैंने अपना फर्ज पूरा किया। नौजवान तुझे मौत ही चाहिए तो मिलेगी, जरूर मिलेगी।
سوری نکلنے سے پہلے دریائے آکسس پر میں تیرا انتظار کروں گا. تو پھر دریائے آکسس پر تمہاری موت کا پیغام لیے میں ضرور آؤں گا. مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے اپنا وعدہ پورا کیا. یہ عمر یہ کم سنی نہ جانے کیوں جوانی موت کے راستے تلاش کرتی ہے. تعجب ہے یہ درد اور ایک خونی کے دل میں, وہ خونی جو ایک کمزور نہتھے اور ضعیف انسان کو قتل کرنے سے بھی باز نہ آیا. غلط ہے, مرنے والے کی موت میرا مقصد نہیں, اس کا مقدر تھا. مقدر مجبور انسان کا آخری سہارا ہوتا. رستم اپنی جان بچانے کے لیے کوئی اور بہانہ تلاش کیا ہوتا. یہ سننے کے بعد میں اپنے دشمن کو جینے نہیں دیتا. تو مجبوری کیا ہے؟ صرف یہ کہ تم مشکل سے میرے بیٹے کی عمر کے ہو. میں نہیں چاہتا کہ تمہاری ابھرتی ہوئی جوانی کو خاک میں ملا دوں. اب بھی وقت ہے, اپنی ضد سے باز آؤ میرے بچے. Thank you.
रुस्तम, ये लाश तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे गुरूर की है जो मिट्टी के इस ढेर में दफन हो चुकी है। अब तुम कभी नहीं बोलोगे। के मैदान में जिंदगी की भीख मांगना भी एक सिपाही के लिए शर्म की बात है। अब मैं तुमसे इंतकाम नहीं लूंगा। तुम्हारी तरफ से मेरे दिल में अब कोई मैल नहीं। जाओ, मैंने तुम्हारी जान बख्शी। लेकिन अब मुझे यह मंजूर नहीं। तुमने ठीक कहा था नौजवान, भीख में मिली हुई जिंदगी से एक सिपाही के लिए मर जाना बेहतर है। तो क्या तुम अब भी लड़ना चाहते हो हारे हुए सिपाही? बेशक, अब यह लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हम दोनों में से कोई एक मौत की नजर न हो जाए। जैसे तुम्हारी मर्जी। सुबह सूरज निकलने से पहले मैं यहां मौजूद रहूंगा। दुश्मन, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूं। परवरदिगार, वो सर जो हमेशा बुलंद रहा आज एक तुरानी लड़के के आगे शर्म से झुक गया। मुझे अपनी जिंदगी की भीख मांगना पड़ी। रब्बे कायनात, अगर रुस्तम की जिंदगी के दिन खत्म हो चुके हैं तो बेशक उसे बना कर दे, मिटा दे, बर्बाद कर दे, लेकिन यूं जलील न कर। अगर मुझे जिंदा रखना मतलूब है तो फिर मेरे वकार को भी कायम रख, मेरे वकार को भी कायम रख, मेरे वकार को भी कायम रख। आज तुम बहुत जल्द चले आए रुस्तम। मैंने तुम्हारी जान बख्श दी थी, लेकिन फिर भी तुम मुझसे लड़ने की ख्वाहिश रखते हो। मुझे तुम्हारी हालत पर तरस आता है। तुम नहीं बोलोगे? ठीक है, संभालो हथियार। Thank you.
کی انجام کی خاطر کہا تھا کہ نوجوان مجھ سے نہ الجھ اپنی جوانی کو خاک میں نہ ملا تمہاری ضد نے تجھے موت کے آغوش میں پہنچا ہی تھا نہیں رستم نہیں میں نے اپنی قسم کی خاطر اپنی جان دی مجھے فخر ہے اپنی موت پر کیوں بجتی شمع کی طرح بھڑکتا ہے لڑکے آخری وقت ہے خدا کا نام لے کہ سکون کی موت نصیب ہو میرا سکون مجھے مل چکا ہے یہ دیکھ یہ دیکھ یہ دیکھ میرے باپ کی نشانی اس تعویذ پر میں نے اپنی جان قربان کر دی ہے میری موت میری فتح ہے رستم امین امین پروردگار میرے بچے میں تیرا بدنسی باپ میں بدبخت ہی تیرا باپ ہوں آپ رستم ایران میرے بزرگ کے باپ خدا اے مالک دو جہان میری زندگی لے کر میرے بچے کی زندگی لوٹا دے خدا بندہ اگر جان کا صدقہ جان ہو سکتا ہے تو میں اپنی جان تیرے حضور پیش کرتا ہوں میں اپنی جان تیرے حضور پیش کرتا ہوں نہیں میں مجھے اپنی آغوش میں لے لیجیے آپ میں تیری بلائیں لے لوں میرے بچے میں تیری بلائیں ابا سننے کے لیے میں کتنے برسوں سے بے تاب یہ سر دیکھنے کے لیے کہ میں کتنا بے چین تھا میرے بچے کیا ہو گیا میں تجھے پا کے کھو دیا میں سرا میں تجھے پا یہ تکلیف یہ درد کی شدت برداشت نہیں ہوتی میرے مالک میرے مالک ابا جان دیکھو 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 یہ تمہاری نشانی یہ تمہاری ننے منے ہاتھوں کی دی ہوئی نشانی یہ تمہاری تلوار کا دیکھ میں کلیجے کے ساتھ لگائے پھرتا رہا اتنے برس دیکھا بیٹے دیکھا تم شراب خدا بندہ خدا بندہ بعد از آن آخری ہچکی مکمل بے بسی مرغ جان کی پرفشانی موت کی سنجید کی سالہ سال صدیاں گزر گئیں لیکن سہراب کے خون سے لکھی گئی یہ داستان آج تک قائم ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی